फ्लेक्सीड से बनी हुई ये है घर की देसी चौकोलावा रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन फूड बाइट। फ्लेक्सीड्स के चर्चे तो जिम से लेके हर डाइट चार्ट तक है, तो आइए एक इजी वे में टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने तीसी ली है जो कि फ्लेक्सीड्स है, एंड इसे हम साफ करके एक गर्म कढ़ाई में अच्छे से भून लेंगे। एंड ये हल्का ठंडा होते ही हम इसे एक जार में ट्रांसफर करेंगे एंड इसे मिक्सर ग्राइंडर की मदद से पीस लेंगे। तो अभी ये जो फ्लेक्सीड का पाउडर हमने तैयार क्या है, इसका यूज करेंगे अब हम तीसी पीठा बनाने के लिए। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे गुड़ लेंगे और गुड़ को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से, एंड ये ग्रेटेड गुड़ को हम ऐड करेंगे अपने तीसी के पाउडर में, जिससे फ्लेक्सीड्स का जो न्यूट्रिएंट्स है वो और एनहांस हो जाएगा। आइए इसे मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि ये जो जागरी है ये पूरे ही फ्लेक्सीड के पाउडर के साथ अच्छे से मिक्सअप हो पाए, एंड इसे थोड़ा सा बाइंड करने के लिए हम यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बहुत ज्यादा ड्राई मिक्सचर ना रहे। तो अभी ये रेडी हो चुका है। अब आइए हम लोग कंटेनर में पानी गर्म कर लेते हैं। तो इसे हम यूज करेंगे अपना बैटर बनाने के लिए। तो अब पानी गर्म हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गर्म करके हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ 4 कप ऑफ चावल का आटा, एंड इसे बाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमने पानी गर्म करके रखा था। तो हमने यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ 5 कप ऑफ गर्म पानी। सो अगर आप भी मेरी तरह मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक फ्लेक्सीड्स की रेसिपीज खाते खाते बोर हो गए हो, तो ये हेल्दी वर्जन ऑफ दी रेसिपी जरूर ट्राई करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब हमने यहाँ पे गर्म पानी चावल के आटे में डाल लिया है। तो अब हम इसे छोलनी की मदद से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो भी गर्म पानी है एंड ये जो आटा है चावल का बाइंड अप हो पाए। सो मिक्स करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो कढ़ाई है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो जिसके लिए हम हमेशा जो फ्लेम है ये पूरे प्रोसेस के दौरान लो फ्लेम पे रखेंगे। ये तीसी पिट्ठा बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल रेसिपी है, साथ ही में बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी तेल मसाले घी ज्यादा कुछ भी नहीं है एंड प्रोटीन से भरपूर रेसिपी है, एंड बोरिंग सी बेसिक फ्लेक्सीड की रेसिपीज का बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव भी। तो अब ये चावल का आटा गर्म पानी में अच्छे से मिक्स हो गया था, तो ये अब हल्का सा ठंडा होगा, तो हम इसे एक प्लेट में अच्छे से ट्रांसफर कर देंगे ताकि एक लार्ज सरफेस एरिया मिल जाए जिसमें ये थोड़ा अच्छे से कूल डाउन हो पाए। एंड जिस तरीके से हम बाकी के आटा को नीट करते हैं वैसे ही हम इसे भी नीट करेंगे। तो क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ ये मिक्सचर लेके इसे डो के फॉर्म में बाइंड करने का कोशिश करेंगे। इस पूरे मिक्सचर को एक डो का फॉर्मेशन देने के लिए जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल ही सेम होगी जैसे आप गेहूं के आटे को सानते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी प्रकार से इस आटे को भी आपको अच्छे से सान के एक डो फॉर्मेशन कर लेना है। तो अब हमारा ये मिक्सचर जो था वो ऑलमोस्ट बाइंड हो चुका है, तो हम इसे दोनों हाथ से अच्छे से मल लेंगे और इस डो का जो टेक्सचर होगा वो बिल्कुल भी गेहूं के आटे वाला नहीं होगा, ये हल्का सा खुरदरापन के साथ रहेगा। तो आप इसे मेक श्योर करें कि इसका जो भी पानी है हमने जो ऐड किया था इसे बाइंड करने के लिए अच्छे से कंबाइन हो जाए ताकि बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट एंड गीला डो ना बने। सो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब हमारा ये चावल के आटे का डो रेडी हो चुका है, तो हम यहाँ पे भी अभी सेम प्रोसेस दोहराएंगे जो रोटी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डो का थोड़ा सा अमाउंट लिया है, तो अब हमने ये छोटे छोटे गोलियां बना के रख लिए हैं। तो अब एक एक गोली करके हम इसे अच्छे से चावल का आटा हल्का डस्ट करके इसे ऐसे एक हॉलो सा स्पेस बनाएंगे एंड डो में ऐसे हॉलो स्पेस बना के फिलिंग ऐड करके एक एक करके ये तीसी पीठे रेडी कर लेंगे। तो हमने जो गुड़ एंड तीसी की फिलिंग बना के रखी हुई थी वो तो हम इसमें ऐड कर लेंगे एंड इसे हल्का सा ऐसे कंप्रेस करके इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। मेक श्योर करेंगे कि कोई भी इसमें क्रैक लाइन नहीं हो, ये फटा हुआ नहीं हो जिससे इसका फिलिंग बाहर आए। तो इसे दोनों पाम के बीच में ऐसे हल्का रोल कर लेते हैं। अब हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे बाकी तीसी पिठा बनाने के लिए। तो अब हमारा ये पहला तीसी पिठा रेडी हो गया है एंड ये सेम प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे बाकी के तीसी पिठा बनाने के लिए भी। एंड इस प्रोसेस के दौरान हम ध्यान रखेंगे कि हमारा ये जो हम हॉलो स्पेस बना रहे हैं इसकी जो आउटर सर्फेस है वो इवेनली थिक हो, ताकि जब हम इसे कुक करें तो ये चारों तरफ से इवेनली कुक हो एंड ये कच्ची ना रह जाए। तो अब हम इसे हल्का चावल के आटे से डस्ट करके इसे दोनों पाम के बीच में रोल कर लेते हैं एंड ये भी हो गया है रेडी।
तो हमने ये सारे ही तीसी पीठे तैयार करके रख लिए हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा। अब हम करेंगे इन सभी को बॉईल। तो हमने एक पतीले में ऑलरेडी पानी गर्म करके रख लिया है हल्का, एंड अब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे कुछ 15 से 20 मिनट्स के लिए। तो आइए ये सारे ही तीसी पीठे जो हमने तैयार करके रखे हुए थे इसे हम पानी में डिप कर लेते हैं, एंड इसे हम ढक के मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो 15 टू 20 मिनट्स हो गया, अब हम इसका लिड हटाएंगे एंड आप देख सकते हो तो अभी ये सारे ही तीसी पीठे ऊपर आ चुके हैं पानी के सरफेस पे। तो अब ये कुक हो चुका है, अब हम इसे छन्नी के मदद से एक एक करके निकाल लेंगे। एंड आपको ये निकालते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि ये पानी बहुत ही ज्यादा गर्म है एंड स्टीम बहुत ज्यादा है। तो आप बहुत ही सावधानी से अपना हाथ बचा के इसे एक एक करके प्लेट में निकाले। तो अब ये रेडी हो चुका है एंड ये देसी चौको लावा बहुत ही ज्यादा हेल्दी एंड डिलीशियस है। सो ये फ्लेक्स सीड की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ट्राई करके आप जरूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।